हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, ये मेरा गार्डन है जो झुलस गया है तेज़ धूप से, और मैं बाहर गई हुई थी और मुझे 12 दिन हो गए हैं आज। और 12 दिन में देखो मेरा गार्डन कैसा हो गया है, और जबकि हर तीसरे दिन इनमें पानी दिया जाता था। और जो मैंने इधर साइड में बॉटलों में प्लांट लगाए थे, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम धूप आती थी तो इनका पानी भी नहीं सूखा और ये पौधे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कुछ प्लांट्स हैं जिनकी लीफ येलो होती रहती थी और मैं टाइम टू टाइम निकालती रहती थी, तो अब मैं इकट्ठा ही निकाल रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि पौधे ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लीफ तो येलो होती ही रहती हैं गर्मियों में और हम लोग उन्हें निकालते रहते हैं, तो मैं अपने गार्डन की सारी जो येलो लीफ है उन्हें निकाल दूँगी और फिर ये बहुत अच्छे से हरा भरा हो जाएगा। पर यही है कि मुझे मेहनत करनी होगी। इस बालकनी में हर रोज़ पानी नहीं डालना होता है दूसरे तीसरे दिन, लेकिन मैं क्या करती हूँ, प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करती रहती हूँ, तो जो वो ग्रीन है, जो उनका ओरिजिनल कलर है, वही बना रहता था। और ये है मेरा इंडोर गार्डन जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है। कुछ एक दो पौधा है जिनकी लीफ येल्लो हुई होगी और वो सूख गई, क्योंकि येल्लो होते ही मैं निकाल देती थी, तो यहाँ पर ये सूख गई क्योंकि 12-13 दिन हो गए थे, इसलिए तो मैं इन लीफ को निकाल दूंगी, तो ये गार्डन बहुत हरा भरा हो जाएगा। बीच बीच में तेज हवाएं आई हैं तो डस्ट बहुत ज़्यादा जम गई है, जो पौधे हैं बहुत गंदे से दिखाई दे रहे हैं, और एक दो प्लांट हैं छोटे जो सूख गए हैं, लेकिन उनका मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मेरे पास बाहर बहुत प्लांट है, मैं वहाँ से निकाल कर यहाँ अंदर लगा दूंगी तो फिर वो अच्छे से चलेंगे। और यहाँ पर ये मेरी मनी प्लांट है जो कि बहुत अच्छे से चल रही है, काफ़ी फैल गई है, और ये एरिका पाम है, इसकी एक लीफ जो है वो सूख गई है, जिसे मैं नीचे से निकाल दूंगी, इसकी कटिंग कर दूंगी, तो ये भी बहुत अच्छे से चलेगा। कल का जो मेरा बहुत ज़्यादा काम है वो गार्डन के लिए ही है, क्योंकि कल इनको सारे प्लांट्स को हटाना भी है, उनकी धुलाई भी करनी है और फिर इन्हें उसी जगह पर लगाना भी है, तो कल तो बहुत काम फैलेगा। जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जो आउटडोर हैं वो थोड़े सूख गए हैं, उन्हें एक हफ्ता लग जाएगा ग्रो होने में, लेकिन ठीक हो जाएंगे। इस बास्केट को भी मैं एक हफ्ते के लिए बाहर ही रखूँगी, तो ये भी अच्छे से ग्रीन हो जाएगी। प्लांट्स मेरे बाहर वाले कुछ अच्छे हैं, और देखो इनमें घास भी हो गई है, कितनी सारी घास हुई है, तो ये घास भी निकालनी है और इनमें गुड़ाई भी करनी है। ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट है, कहते हैं कि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, लेकिन इस पे फ्लावर भी थे और देखो कितना बड़ा प्लांट था, ये पूरा सूख गया है, लेकिन अभी ये नीचे से थोड़ा ग्रीन है और जो ये ठीक हो जाएगा कटिंग होने के बाद। यहाँ पे दोपहर बाद की धूप ही रहती है शाम तक, पता नहीं उसकी वजह से ख़राब हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसकी कटिंग कर दूंगी तो फिर ये अच्छे से चलेगा। और ये मेरी जो बेल है ये भी थोड़ी थोड़ी सी ख़राब हुई है, जो ग्रीन थी वो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, ये भी ठीक हो जाएगी। कुछ टाइम तो लगेगा ही इन प्लांट्स को ठीक होने के लिए। और ये मेरी मनी प्लांट है, ये तो बहुत ही अच्छे से चल रही है और काफ़ी बड़ी भी हो गई है। आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि ये कितनी छोटी सी थी। और ये गुलदाउदी के दो पौधे हैं जो सूखे सूखे से हो गए हैं, लेकिन इनकी भी मैं कटिंग कर दूंगी, ये भी ठीक हो जाएंगे। जबकि मैं इनको बिल्कुल छज्जे के नीचे रख के गई थी, जहाँ पर कोई किसी भी तरह की धूप नहीं आती है, फिर भी ये ख़राब हो गए, जबकि इन पे फ्लावर भी बहुत अच्छे से खिल रहे थे। मेरी मनी प्लांट लगी हुई है और ये बहुत अच्छे से चल रही है, और मैंने ग्लोए भी लगाया था, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है।
कुछ प्लांट मैं इधर रख कर गई थी जो धूप में थे, जिन पर तेज धूप आ रही थी, तो देखो ये भी खराब नहीं हुए हैं। ये मोगरा का पौधा है जो इसकी कुछ लीफ हैं जो सूख गई हैं, क्योंकि ये भी तेज़ धूप में था और तीसरे दिन पानी इनमें दिया जाता था, और उस पे जो फूल आ रहे थे वो भी ख़राब हो गए हैं, सूख गए हैं। कोई बात नहीं, मैं इसकी गुड़ाई करूँगी और थोड़ा सा खाद लगाऊँगी तो ये भी ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए मैं इसे छज्जे के नीचे या ग्रीन नेट के नीचे रखूँगी तो ये भी ग्रो करने लगेगा और ग्रीन हो जाएगा। बाकी के जो धूप वाले पौधे हैं वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं, लेकिन झुलस से गए हैं, और एक दो बार मैंने पानी दिया है तो वो ठीक हो गए हैं और अच्छे से हैं। और मेरी जो ये फ्रंट बालकनी है, यहाँ पर भी तेज़ धूप तो सुबह से आती ही है और शाम तक रहती है। कुछ पौधे हैं जो बास्केट के थोड़े सी लीफ हैं जो ख़राब हो गई हैं, बाकी का पौधा ठीक है, थोड़े सूखे सूखे से हो गए हैं। और आप खुद देख सकते हैं जो इन पौधों की शाइन थी वो तो चली ही गई है, और काफ़ी टाइम लगेगा वापस आने में। बालकनी में मेरी ग्रीन नेट लगी हुई है, वहाँ पर जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और देखो गुड़हल पर तो फूल भी आ रहा है और काफ़ी कलियाँ भी आ रही हैं। बाकी के सब पौधे ठीक हैं, और ये पौधा पता नहीं किस वजह से ये इतना, इसकी मिट्टी भी सूखी हुई नहीं थी, अब ये किस वजह से इसकी लीफ झड़ रही हैं वो तो इसे मैं जब बाहर निकालूंगी तभी देखूंगी किस वजह से ख़राब हो रहा है। ये पौधा मेरा काफ़ी साल पुराना है, और जब मैं कहीं बाहर चली जाती थी तो पता नहीं ये कभी ख़राब नहीं हुआ। इस बार क्यों हुआ है, क्या वजह है, ये तो कल ही पता चलेगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।